वायरलेस 60% मैकेनिकल कीबोर्ड अभी भी इंडिया में बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इन एडिशन टू दैट, बहुत से लोग जो ऑन द गो गेमिंग या प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी चाहिए होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली बजट मैकेनिकल कीबोर्ड्स में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलता है। सो फॉर देम एक अच्छा रिलेटिवली चीपर 60% मेम्ब्रेन कीबोर्ड ज़्यादा बेहतर ऑप्शन साबित होता है दैन देयर मैकेनिकल काउंटरपार्ट्स। एंड ऐसा ही एक कीबोर्ड है एंट ईस्पोर्ट्स का MK1500 Mini। दो मुझे एंट ईस्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर नहीं किया है, बट स्टिल ऑनेस्टली सेइंग दिस माइट बी वन ऑफ द बेस्ट मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स आई हैव एवर यूज्ड एंड दिस सेज अ लॉट। नाम से ही पता चलता है दैट ये एक 60% फॉर्म फैक्टर का कीबोर्ड है एंड येस इट्स मेम्ब्रेन एंड नॉट मैकेनिकल। एंड ऑल्सो ये एक वायरलेस कीबोर्ड है विच डायरेक्टली कनेक्ट्स थ्रू ब्लूटूथ। इसमें RGB backlighting भी दिया गया है जिसे मैं वीडियो के आगे भी शो करूंगा। पीछे हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस और बाकी शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं जो ये कीबोर्ड सपोर्ट करता है। भले ही यहाँ पे प्राइस आपको ₹4000 दिखा रहा हो, स्टिल ये कीबोर्ड आपको ₹2000 या उससे कम के अंदर इजिली मिल जाएगा। अब मैं बॉक्स को खोलता हूँ एंड इसके अंदर के कंटेंट्स को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑब्वियसली कीबोर्ड है, एक USB टाइप सी केबल है विच इज गोल्ड प्लेटेड, सो इसका क्वालिटी बाकी चीप केबल से बेटर है एंड पकड़ने पर ये बहुत ड्यूरेबल लगता है। यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है। मैं जनरली बाकी प्रोडक्ट्स के यूजर मैनुअल को फेंक देता हूँ बिकॉज दे सर्व नेक्स्ट टू नो पर्पस एट ऑल, बट इस केस में आई विल रिकमेंड यू टू कीप इट बिकॉज इसमें सारे कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स का डिटेल प्रिंट किया हुआ है। सो इन केस यू फॉरगेट सम ऑफ द शॉर्टकट्स, यू कैन इजीली फाइंड इट हियर। यहाँ पे USB केबल का लेंथ 1.6 मीटर्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मल चार्जिंग के लिए ये लेंथ मोर देन एनफ है। प्लीज नोट, आप यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड USB टाइप सी केबल यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा एंड वो ये है दैट आई लव वाइट कीबोर्ड्स। आई प्रिफर वाइट कीबोर्ड्स बिकॉज दे टेंड टू गिव मी दैट काम वाइब जो ब्लैक कीबोर्ड्स में कम्प्लीटली लैक करता है। अपार्ट फ्रॉम लुकिंग क्लीन एंड एलिगेंट ऑन द डेस्क, ये बहुत आई कैची भी लगता है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं दैट ये कीबोर्ड कितना क्लीन एंड अर्गोनॉमिक लग रहा है। From the fonts used on the keycaps to the texture on the keyboard, everything looks pleasing to the eye. Yes, ये keyboard पूरे plastic का बना है, which makes it really lightweight too. यहाँ पे keycaps बहुत ही high quality के दिए गए हैं and इसके ऊपर जो label mold किया गया है that is also quite clean and sharp, unlike other budget keyboards जो इसी price range में आते हैं। यहाँ पे space bar में आप Ant Esports का logo भी देख सकते हैं। F4J कीज में मार्किंग्स भी है लाइक एनी अदर कीबोर्ड। सो जिसे नहीं पता है, ये बेसिकली आपको टाइपिंग के वक्त प्रॉपर हैंड पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है जिससे आप ये कीबोर्ड को चार्ज कर सकते हैं एंड ठीक उसी के पास एक स्विच दिया गया है, इससे आप कीबोर्ड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड कीबोर्ड ऑन होते ही RGB लाइट्स भी ऑन हो जाते हैं। ब्राइट एनवायरनमेंट में लाइट्स आपको उतना प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा, बट as soon as you shift to a dark environment, RGB light effects आपको clearly देखने को मिलते हैं। अगर मैं Photronics K2A keyboard के साथ इसे compare करूँ, by the way, इस keyboard का भी review आप मेरे channel में देख सकते हैं, तो MK Mini Photronics के keyboard जितना ही clean and compact है। Ant Esports का MK580 जो एक full-sized keyboard है, उसके साथ अगर मैं इसे compare करूँ, तो आप देख सकते हैं कि MK Mini डेस्क में कितना कम स्पेस लेता है। This increases the area of mouse movement, which is pretty useful while gaming. Being a Bluetooth keyboard, डेस्क में आपको कोई भी वायर्स भी परेशान नहीं करेगा, unlike the MK580 और any other wired keyboard. कीबोर्ड के थिकनेस की बात करूं मैं, तो यू कैन सी द थिकनेस राइट हियर।
कीबोर्ड के बैक साइड में अनफॉर्चुनेटली कोई क्लिप्स नहीं दिया गया है एलिवेशन के लिए, बट स्टिल कीबोर्ड का थिकनेस ही कीज को वो एलिवेशन प्रोवाइड कर देता है। सो इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे रबर ग्रिप्स भी एज यूजुअल है जो कीबोर्ड को टाइपिंग के वक्त स्लाइड होने से रोकते हैं। अब मैं तीनों ही मेम्ब्रेन कीबोर्ड में टाइप करके दिखाता हूँ सो दैट यू कैन सी एंड हियर द डिफरेंसेस योरसेल्फ्स। So you can hear that MK Mini बाकी कीबोर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ एंड लेस नॉइजी है एंड टाइपिंग करना इसमें बाकी दोनों कीबोर्ड से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। सो कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो इस कीबोर्ड को आप ब्लूटूथ के जरिए अपने फ़ोन या टैबलेट से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं विच इज़ क्वाइट यूजफुल। जस्ट प्रेस फंक्शन प्लस जेड और इसे आप अपने डिवाइस के साथ इंस्टेंटली पेयर कर पाएंगे as you can see right here। So it's good to see that this keyboard works flawlessly with a tablet as well। अब मैं आपको कुछ important shortcuts बताऊंगा जिसे आप इस keyboard के साथ use कर सकते हैं। Function plus backslash से आप different light effect modes change कर पाएंगे। Breathing effect भी आप इस shortcut की मदद से ही on या off कर पाएंगे।
फंक्शन प्लस सेमीकोलोन और फंक्शन प्लस अपोस्ट्रोफी प्रेस करके आप लाइट को डिम या ब्राइटन कर सकते हैं। सो अगर आप ब्राइट एनवायरनमेंट में इस कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं, यू कैन इंक्रीज द ब्राइटनेस प्रीटी इजीली। फंक्शन प्लस पी और फंक्शन प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फंक्शन प्लस स्पेस बार से आप कीबोर्ड के बैकलाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपको बैकलाइटिंग नहीं चाहिए, यू कैन टर्न इट ऑफ एंड सेव सम चार्ज। नाउ प्लीज़ नोट कि ये सारे शॉर्टकट्स कंप्यूटर के साथ साथ एंड्रॉयड फ़ोन में भी सपोर्ट करते हैं। ऑल्सो फाइनली वन मोर थिंग टू नोट इज़ दैट ये कीबोर्ड सिर्फ और सिर्फ आप ब्लूटूथ से ही कनेक्ट कर पाएंगे, नो 2.4 GHz डोंगल और एनी USB केबल। USB केबल सिर्फ चार्जिंग के लिए ही है, बट एक अच्छी चीज़ ये है कि आप इसे यूज़ करते करते भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें 1000 mAh की बैटरी है, सो 2 hours ऑफ कंप्लीट चार्ज विल गिव यू 100 hours ऑफ नॉन स्टॉप यूसेज एंड 250 hours ऑफ स्टैंड बाई टाइम, विच इज़ मोर देन एनफ। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपको इससे भी बजट फ्रेंडली कीबोर्ड चाहिए तो मेक श्योर आप मेरे पोट्रॉनिक्स K2A रिव्यू वाले वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी प्रोडक्टिव एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय।